पहले कैसे पता लग जाता है कि गिरफ्तारी होगी? आप लोग पहले ही कहने लगते हैं गिरफ्तारी होने वाली है, गिरफ्तारी होने वाली है। देखिए, ऐसा है कि गुजरात के चुनाव की तारीखें आनी है, आप सबको पता है। पार्टी के सारे नेताओं का कार्यक्रम लग रहा है, सबको पता है। मनीष सिसोदिया जी को गुजरात में प्रचार करने के लिए जाना है। हार के डर से कितने हताश हैं, रात की नींद हराम हो गई है भाजपाइयों की, ये सबको पता है। मैं पूछ तो रहा हूं, मनीष सिसोदिया के खिलाफ अब तक मिला क्या आपको? न रुपया, न संपत्ति, न कोई भ्रष्टाचार का सबूत। तो आप ये कार्रवाई ड्रामेबाजी के लिए कर क्यों रहे हैं? आपको जेल में डालना है सबको, तो आप जेल में डालो, लेकिन एक भी सबूत मनीष सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित सीबीआई को नहीं मिला। तो ये नोटिस एक दिन पहले आने का यही कारण है, उनको गुजरात जाना है और उसके पहले ये जेल में डालने की कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, कूड़े का पहाड़ बनाने वाली बीजेपी को दिल्ली की जनता इस बार कूड़ेदान में पहुंचाने का काम करेगी और अपनी झाड़ू चला के दिल्ली की गंदगी को साफ करेगी, जिसको 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने प्रदूषित किया है, कूड़ा घर में तब्दील किया है। उस कूड़ा घर की सफाई दिल्ली की जनता झाड़ू से करेगी। जितना प्रयास नड्डा साहब को करना हो, उनकी पार्टी को करना हो, नेता हैं उसके, प्रचार करेंगे, आए हैं करेंगे प्रचार, उससे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये तो पहले ही हो जानी चाहिए थी, वो भागे क्यों? भारत के इतिहास में आजादी के बाद पहली बार हुआ था, जिस दिन चुनाव का अनाउंसमेंट चुनाव आयोग करने जा रहा है उसी दिन सरकार निर्देश दे रही है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान मत करो। आप बता दीजिए, देश की आजादी के बाद कब ऐसी घटना हुई है? चुनाव आयोग जैसी संस्था का आप गला दबा के चुनाव रोक रहे हैं यहां पे, तो ये तो साफ तौर पे दिख रहा है कि बीजेपी अपनी हार दिल्ली में मान चुकी है। उसका समय थोड़ा टाल रही है कि जनवरी में हारना है, कि फरवरी में हारना है, कि मार्च में हारना है, कि दिसंबर में हारना है, हारना तय है। वो हार की तारीख टालने का बार बार प्रयास करते हैं। अच्छा, तो सीबीआई इंडिपेंडेंट है तो व्यापम में क्या किया? वाटर घोटाले में क्या किया हेमंत शर्मा के खिलाफ? क्या किया मुकुल राय के खिलाफ? क्या किया शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ? क्या किया रेड्डी ब्रदर्स के खिलाफ? क्या किया अगर निष्पक्ष है तो नारायण राणे के